सुनने में आ रहा है कि अब 5 तारीख को यहाँ पहुँचेगी, और इस क्रम में अभी तय नहीं है, हम लोगों को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया जाएगा कि इसमें से कब वो लोग जो सैलानी इसमें हैं, जो गंगा विलास क्रूज पर सैलानी हैं, वो बक्सर में रुकेंगे भी, और बक्सर के कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के जो स्थल। गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। जी हाँ, पर्यटक केले के कार्गो जहाज पहुँच चुकल बटुए सेमरी से आगे बक्सर के अर्जुनपुर। आज बक्सर में दिखी कार्गो जहाज, लगभग 80 गो सैलानी के लेके पहुँच रहल बटुए पानी के बड़की जहाज। भोजपुरिया समाचार पर सीधा तस्वीर और दर्शक लोग के देखावल जा रहल बटुए, जवन कार्गो जहाज हावड़ा से चली करके बनारस तक जाई। प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा संभावित प्रस्तावित योजना हटुए, जेकरा के लेके लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार रोरा दर्शक लोग के देखा रहल बटुए। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत गंगा नदी के रास्ते कोलकाता से बनारस के मध्य पर्यटक कार्गो जहाज के परिचालन के लेके पहला बार सेमरी भीरी से दृश्य निकल के आयल बटुए, जहां पे कार्गो जहाज पहुंचल बटुए। हालांकि पीपा पुल के हटावे के बाद कार्गो जहाज के आगे बढ़ावल गई, जेकरा के देखे खातिर बहुत लोग इकट्ठा रहे, पूरा अमला जमला प्रशासन के लागल रहे। बता दी कि गंगा विलास क्रूज से बक्सर में भी विदेशी सैलानी पहुंचल बाड़े। आज बक्सर के ऐतिहासिक का पौराणिक स्थल पे पहुँच के इजा के महत्व से सैलानी रूबरू हुई हैं। एकरा खातिर प्रशासनिक तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा बा। बक्सर के रमरेखा घाट पर बाजे क्रूज प्लेटफार्म लगा दिहल गई बा, साथे साथ नगर परिषद के कर्मी के द्वारा घाट के साफ सफाई आ सीढ़ी पर लागल सिल्ट के हटा दिहल गई बा, ताकि कोनो भी प्रकार से सैलानी के समस्या के सामना ना करे के पड़े। बनारस से डिब्रूगढ़ तक के सफर करीब 52 दिन में तय कर रहल बटुए क्रूज विमान। 50 से अधिक अहम जगह पर रुकी, जौना में विश्व विरासत स्थल भी शामिल बा। गंगा विलास क्रूज बयान सुनी या दबा के शेयर करी, रोरा सबके बता दी कि गंगा विलास क्रूज बनारस से अपन यात्रा शुरू करी या बक्सर गुजरत, 8वां दिन पटना पहुंची, पटना से बीच 20वां दिन कोलकाता पहुंची। लंबा यात्रा उबाऊ ना होके एकरा खातिर यह क्रूज में गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम जिम आदि के व्यवस्था कल गई बटुए। तो यह तरीका से सेमरी से दृश्य निकल गई बटुए दुताला क्रूज विमान, दुताला पानी के जहाज। लोग के उत्सुकता भी बढ़ जाता, जवना जवना रास्ता से जाता ओजा लोग देखता तो कहता कि बाप रे बाप, हत हत बड़ जहाज आ रहा बिया। जहाज के देखे खातिर भी लोग के अंदर काफ़ी उत्सुकता देखे के मिल रहा बटुए। भोजपुरिया समाचार बयान सुनावे जा रहा बा SDM के, दबा के शेयर करी, धन्यवाद। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, गंगा विलास क्रूज का परिचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक घोषित है, उसी में ये वाराणसी से हावड़ा तक इस क्रूज को चलाए जाने की योजना है। और बक्सर के लिए ये खास बात यह है कि आने और जाने के क्रम में 2 बार, यानी 4 जनवरी और 14 जनवरी को इसके हाल्ट करने का यहाँ प्रस्ताव है। ये तिथि मौसम को देखते हुए या परिचालन की गति को देखते हुए आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब 5 तारीख को यहाँ पहुँचेगी, और इस क्रम में अभी तय नहीं है, हम लोगों को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया जाएगा कि इसमें से कब वो लोग जो सैलानी इसमें हैं, जो गंगा विलास क्रूज पर सैलानी हैं, वो बक्सर में रुकेंगे भी, और बक्सर के कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के जो स्थल हैं उनका भ्रमण भी करेंगे। तो हम लोगों की पूरी तैयारी हो रही है इसको लेके, रामरेखा घाट पे उस क्रूज के रुकने के लिए बार्ज लगा दिया गया है, और हम लोगों की तरफ से उस क्रूज को सैलानियों को सुरक्षा प्रदान करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब हम लोग बस प्रतीक्षा में हैं कि IWAI के द्वारा कब कंफर्म किया जाता है कि वो जो सैलानी यहाँ पे रुकेंगे, जाने के क्रम में रुकेंगे या वापस लौटने के क्रम में रुकेंगे, ये तय होने की देर है।